नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा और आज हम बात करेंगे कंफ्यूज कांग्रेस की। जी हां, कुछ ऐसा ही आप भी कहेंगे जब आपको पता लगे कि बीजेपी नेता को खुद कांग्रेस सरकार के मंत्री अपनी गाड़ी में लेकर उस कार्यक्रम में जाएं जहां वो बीजेपी नेता आमंत्रित ही नहीं हो। एक दूसरे की पार्टी पर आरोप लगाने वाले नेता यूं तो कई कार्यक्रमों में साथ नजर आते हैं, लेकिन जब बात सरकारी कार्यक्रम की हो तो कांग्रेस सरकार के मंत्री का बीजेपी नेता को लेकर जाना कंट्रोवर्सी को जन्म देता है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस सरकार के मंत्री विश्वेंद्र सिंह और बीजेपी सांसद दिया कुमारी की, जो सवाई माधोपुर में आयोजित हुए स्थापना दिवस कार्यक्रम में न केवल एक साथ नजर आए बल्कि यहां मंत्री विश्वेंद्र सिंह और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने बीजेपी जिंदाबाद के नारे भी लगे। इतना ही नहीं, खुद मंत्री जी ने संबोधन के दौरान अपनी ही पार्टी के विधायक दानिश अब्रार पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि जब दिया कुमारी सवाई माधोपुर से विधायक थी तब उन्होंने इलाके में बहुत विकास करवाया, लेकिन अब जनता को नेता के पीछे भागना पड़ रहा है। इस पूरे नजारे को देखने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता भी अपने बगले झांकने लगे तो मंत्री जी के बयान को लेकर खुसुर-पुसुर भी होने लगी। यही कारण रहा कि इस पूरे कार्यक्रम से स्थानीय विधायक दानिश अब्रार ने दूरी बनाई। बहरहाल, जब दानिश अब्रार से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वो किसी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त थे और साथ ही उन्होंने कहा जो भी बातें विश्वेंद्र सिंह ने कही हैं वो उनके पिता तुल्य है, वो कह सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या दानिश अब्रार के लिए आज, जबकि सवाई माधोपुर के लिए इतना महत्वपूर्ण दिन था, स्थापना दिवस था, इससे बड़ा भी कोई दिन था, इससे बड़ी भी कोई बात थी जहां पर रहना उनको जरूरी था? और साथ ही क्या पिता तुल्य सिर्फ कह देने से जो सवाल विश्वेंद्र सिंह ने उठाए हैं उनके जवाब मिल जाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं और निश्चित तौर पर जवाब तो देना होगा, चाहे वो अभी दें या कुछ दिन के बाद दें।